शहर के व्यस्त इलाकों में अक्सर सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवर खतरे का पर्याय बन रहे हैं। राहगीरों पर हमला कर उनको घायल करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही यह जानवर हादसों का सबब भी बनते हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार बेपरवाह बने हुए हैं। नगर पालिका के पास अब तक इन आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए टीम की व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका की लापरवाही ने शहर में लोगों का रास्ता चलना तक मुश्किल कर रखा है। गली मोहल्लों में घूमते आवारा जानवर आए दिन लोगों को घायल कर देते हैं। आवारा सांड के हमले में राहगीरों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। आवारा जानवरों का मुद्दा कई बार नगर पालिका बोर्ड की बैठक में भी उठ चुका है, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। शहर के 44 वार्ड में कोई भी ऐसा वार्ड या इलाका नहीं है जहाँ 4-6 आवारा सांड व सुअर न घूम रहे हों। विभिन्न चौक चौराहे पर दुर्गंध देते कूड़े के ढेरों पर गाय सांड और कुत्तों का जमघट सा लगा रहता है। कई बार जानवर आपस में ही लड़ जाते हैं, इससे अफरा तफरी मच जाती है। सड़कों पर उपद्रव करने वाले जानवरों के लिए नगर पालिका के पास अब तक कोई ठोस योजना नहीं है। ऐसे जानवरों पर अंकुश लगाने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। नाम है आपका? मेरा नाम है धर्मराज सचान। जो आवारा जानवर टहलते हैं सड़क पे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये आवारा जानवर जो इस समय टहल रहे हैं, आज से ये समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है और सरकार ने कई कदम उठाए भी हैं, लेकिन हमें नहीं लगता ये ज़मीनी स्तर पर कारगर सिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि हम आप अगर आप अपने आसपास की नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर मिल जाएंगे जो कि अचानक कहीं रोड पर आते हैं तो जो रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति होता है वो अचानक गिरता है, एक्सीडेंट होते हैं, रास्ते पे जाम लगता है। इसकी वजह से कहने का ये मतलब है कि सारी अव्यवस्थाएँ मोस्टली रोड की समस्याएं जो होती हैं, हम व्यक्ति लोग जो है भीड़ भड़ाके में तो फैलाते हैं, ये जानवर उसके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक हैं। तो हम ये चाहेंगे, सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इन जानवरों को एक बेहतर जगह उपलब्ध कराई जाए। आपने इसकी कहीं पर शिकायत करी? इसकी शिकायत मैंने गौशाला में करी थी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो इतने अच्छे लेवल पर इसका काम कर रहे हैं। फिलहाल किया जा रहा है लेकिन उसको इतना अच्छी तरीके से नहीं किया जा रहा है। नगर निगम की गाड़ियाँ भी जो जानवर उठाती हैं? हाँ उठाती हैं, देखा है, लेकिन आप देख लीजिए उठाती हैं फिर भी ये समस्या किस तरह से अभी भी हमारे आसपास ही घूम रही है। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि ये लोग करते तो हैं लेकिन उसका कोई बेहतर विकल्प या विकल्प है तो उसको बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे। हम चाहेंगे कि हम क्या हमारा पूरा समाज चाहेगा कि इन समस्याओं से निजात पाने के लिए इससे अच्छी। यहाँ आसपास क्षेत्र में कहीं गौशाला है? आसपास क्षेत्र में गौशाला है, आपसे थोड़ी दूर पर गौशाला है, आप चाहें तो देख सकते हैं, वहाँ पर भी हैं जानवर हैं पड़े हुए। लेकिन गौशाला तो ठीक है, जानवर पालने के लिए होता है, लेकिन हमारे पास में जो जानवर है हमारी मूलभूत समस्या तो यही है। अगर ये जब तक नहीं हटेंगे तब तक इससे निजात कैसे मिल पाएगी? हम चाहेंगे कि इनको जल्द से जल्द हटाया जाए और सबके जीवन की रक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी गुड। We'll be right back.